morning, children. Welcome back to online class. Student of class 7, Geography, chapter number 14. And the name of the chapter is Weather and Climate. Very simple chapter. You know very well that day-to-day changing in our life. So now, let's start. Weather and climate. Weather, it is a type of a situation that changes hour to hour day to day. And climate, it is a situation that takes for long period. तो चलिए हमने देखा कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो वेदर, वेदर क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन जो घंटा में चेंज होता है. आधे घंटे में बारिश, आधे घंटे में जो है वह धूप निकल आएगा, जैसे अभी का मौसम चल रहा है. फिर सुबह में बारिश, शाम में धूप, ऐसे करके मौसम जो है वह टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कह सकते हैं. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम. वेदर जो है वातावरण का एक ऐसा भाग है जो कि किसी खास जगह का होता है. किसी खास जगह का होता है. खास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यहां पे बारिश नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होगी, जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं हो रही होगी. हो सकता है वहां बारिश हो रही हो, यहां नहीं हो रही है. यहां हवाएं चल रही हो, तेज साइक्लोन आ गया, वहां नहीं आया. इसलिए इसको पर्टिकुलर प्लेस कहना एकदम जरूरी है कि वेदर जो है पर्टिकुलर प्लेस का ही हो सकता है. ठीक है. नाउ द वेदर रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस टाइम क्लाइमेट रिलेटेड ऑफ एवरेज स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए गिवन लोकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. वो कहते हैं कि जैसे वातावरण में बहुत सारी चीजें जो है वह चेंजिंग हो रही है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि यह कारण यह है कि ऑल द प्लेसेज आर नॉट ए यूनिफॉर्म ऑन द अर्थ. सभी जगह इस पृथ्वी पर एक समान नहीं है, सबका लोकेशन अलग अलग है. और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है और जैसे जैसे इस लोकेशन पर जो चेंजेज आते हैं, वही एक तरह से कह सकते हैं कि वेदर है, यानी मौसम है. ठीक है. अब आइए क्लाइमेट की बारी आती है. आखिरकार क्लाइमेट क्या होता है? देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ए कंडीशन विच इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एक ऐसा कंडीशन जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे कि सर्दियां, गर्मी, बारिश, ये मॉनसून, ये सभी मौसम क्या होता है? 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक टाइम टू टाइम आता है. फिर गर्मी का मौसम, जैसे डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में जैसे सालों भर आपको जो है लगभग गर्मी ही महसूस होगा. ठंड में जो है वह डायरेक्ट ठंड इसलिए होती है क्योंकि रात में डेजर्ट जो है वो क्या होता है, काफी जल्दी ठंडा हो जाता है. इसकी वजह से जो है रात में हो ठंड महसूस हो, जितना जल्दी डेजर्ट जो है यानी कि बालू जो है गर्म होता है उतना जल्दी ठंड भी हो जाता है. तो इज द प्लेस नियर द इक्वेटर फार फ्रॉम इट, ये किस पे निर्भर करता है? इक्वेटर के निर्भर, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, यानी कि सन रे जो है वो फॉल करेगा तो वो डायरेक्टली फॉल करेगा. यानी कि द एरिया विच इज अंडर एकेडमीज ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के अंदर में जितने आते, जैसे कि अफ्रीका आ गया, अफ्रीका को काला महादेश भी कहा जाता गया है, डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि सन कैडेंस डायरेक्टली फैशन में पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी जो है वही रिसीव करता है और जिसके कारण वहां के लोग थोड़े काले काले होते हैं. लेकिन इसका सिग्निफिकेंस यह भी है कि यहाँ के जो जंगल है वो काफी डेंस होते हैं क्योंकि वाइब्रेशन भी काफी मात्रा में होती है और जिसके कारण जो है वह काफी डेंस होता है और यहाँ के लोग जो है थोड़ा काले काले होते हैं. माइंस, नीचे माइनिंग वगैरह भी ज्यादा वही होती है, कोयले होते हैं, कोयले की खाने होते हैं, उनमें डायमंड्स मिलते हैं, ये सब है. एंड इज अ प्लेस लोकेटेड टू द माउंटेन और अ सी लेवल, उस पर भी निर्भर करता है समुद्र से कितनी दूरी है, या फिर वह पहाड़ पर है या फ्लैट सरफेस पर है.
इज अ प्लेस लोकेटेड नियर द सी और इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, या इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, आखिर कॉन्टिनेंट के तो अंदर है। आप देख सकते हैं जैसे हमारा इंडिया, इंडिया जो है नीचे का तीन हिस्सा जो है वह हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, और ऊपर का यानी कि नॉर्थ साइड का पूरा जो हिस्सा है वह घिरा हुआ है थल से, यानी कि लैंड पार्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेटर, फिर माउंटेन्स, फिर से आपके जो सी है, ये सभी जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर रखते हैं क्लाइमेट को बदलने में, और लोकेशन भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है क्लाइमेट देखने में। यानी किसी भी चीज या किसी भी जगह वेदर कंडीशन को तो हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं उसके लोकेशन को फाइंड आउट करके। अ प्लेस नियर द इक्वेटर हैव अ हॉट, और वही जो है हॉट कभी होगा जब हमारे इक्वेटर के पास होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वेदर रिकॉर्ड, इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस विद द हेल्प ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। क्लाइमेट डाटा इज बेस्ड ऑन एन एवरेज क्लाइमेट फ्रॉम वेदर डाटा विच हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ओवर 35 टू 40 इयर्स। ओके, तो वेदर रिकॉर्ड्स क्या होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वेदर का रिकॉर्ड्स जैसे कि न्यूज पे ब्रॉडकास्टिंग होता है वो कैसे होता है, क्योंकि हमको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए हम लोग को डिग्री का जानना जरूरी है, जैसे कि सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, इन सभी का जानकारी हमको होना जरूरी है कि हाँ आज का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री फारेनहाइट है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम लोग जान पाते हैं कि आखिरकार वेदर का रिकॉर्ड जो है वो कैसे रखा जाता है। जैसे कि आप लोग न्यूज में देखते होइएगा कि न्यूज में कहते हैं कि कल दिल्ली का मौसम सामान्य रहेगा, हो सकता है, संभावनाएं हैं, क्या कहते हैं संभावनाएं, कि शाम में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो सिर्फ संभावना व्यक्त किया जाता है कि आज हो सकता है कि बारिश होगी। वेदर अलर्ट जो है वो हो जाता है, मान लीजिए एक हफ्ता के लिए हो रहा है, जैसे साइक्लोन आने वाला रहता है तो साइक्लोन से पहले ही बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ साइक्लोन आने वाला है, उस एरिया को जो है पर्टिकुलर एरिया को खाली करा दिया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वह चलाए जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे ऐसे हैं कि यूज से हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट वेदर का जो कंडीशन है वो क्या है। तो जैसे कि ये वेदर कंडीशन जो है वह जितने दिनों का हो, जैसे 30 साल 40 साल इतने का डाटा जो है वह तैयार जो है वह किया जाता है और एक जगह रिकॉर्ड रखा जाता है कि उस समय कैसा मौसम था, उस समय कैसा मौसम था। जैसे आज़ादी जब हम लोग को मिली थी तो 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार तिरंगा फहराया गया था तो अर्धरात्रि में उस समय काफ़ी बारिश हुई थी। तो ये हमें कैसे पता है, क्योंकि उस समय का जो वेदर का कंडीशन था उसका रिकॉर्ड जो है हमारे जितने भी वेदर ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसने रखा था, इसलिए उसके रिकॉर्ड को हमको आराम से जानते हैं और समझते भी हैं। तो इससे कैसे होता है कि द टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमोस्फेरिक प्रेशर, फिर ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, क्लाउड कवर आर द मेजर एलिमेंट्स टू वेदर एंड क्लाइमेट। यही जो एलिमेंट्स हैं जिसे हम लोग पता लगाते हैं कि कितनी आर्द्रता है, कितने प्रेशर है एयर का, कितना स्पीड से विंड आ रहा है, ये सभी चीजों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, और सभी का क्वेश्चन आंसर भी कर ले आप लोग।